नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं साबूदाने की खीर बनाने की रेसिपी, जिसे बनाना बेहद ही आसान है। अगर आपको साबूदाने की खीर बनाने में कोई भी दिक्कत होती है तो वो दिक्कत आपकी आज दूर हो जाएगी जब आप ये वीडियो देखेंगे। अगर साबूदाने की खीर आपकी चिपकती है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, उसमें स्वाद अच्छा नहीं आता, या साबूदाना ठीक से गलता नहीं, यह आपकी खीर बहुत ज़्यादा चिपकती है। और इसी के साथ अगर आप ये सोचते हैं कि साबूदाने की खीर को चीनी से ही बनाया जा सकता है, तो आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आप बिना चीनी के भी बहुत टेस्टी एकदम मलाईदार खीर बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो कि खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी होगी कि किसी भी मिठाई को आप वो फेल कर देगी। तो चलिए रेसिपी शुरू कर लेते हैं। साबूदाने की खीर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ के साबूदाने लिए हैं, और आप देख सकते हैं कि ये मैंने लिए हैं लगभग एक कटोरी से थोड़े से ही कम है। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। एक कटोरी साबूदाने में आपको कितना दूध चाहिए वो भी आपको इस वीडियो में आगे मैं बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं साबूदाना कैसे बनता है। ये किसी पेड़ पर नहीं उगता है, इसे प्रोसेस किया जाता है फैक्ट्री में, तो इस पर काफ़ी ज़्यादा स्टार्च होता है। आप इसे हाथ लगाएंगे इस तरीके से तो आप देखेंगे कि आपको फील होगा कि आपके हाथ के ऊपर काफ़ी सारा पाउडर सा होता है। इसीलिए इसे धुलना बहुत ज़रूरी है, तो इसे बिल्कुल अच्छे से धुलकर तैयार करें। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से धुल लिया है, और इसे आपने इतना धुलना है जब तक कि ऊपर का जो पानी होता है ना वो सफ़ेद ना हो जाए। बिल्कुल आप देख सकते हैं एकदम साफ़ पानी है, इतना धुलना इसे बहुत ज़रूरी है। और इसे रगड़ रगड़ कर धुलें ताकि इसका जितना भी स्टार्च है वो निकल जाए। यही कारण होता है कि जब आप साबूदाने को अच्छे से धुलते नहीं हैं तो ही वो बहुत ज़्यादा चिपकता है, उसकी खीर बहुत चिपचिपी बनती है। अब यहाँ पर मैंने लिया है एक गिलास दूध। यहाँ हम इसे थोड़ी देर के लिए सोख करके रखेंगे दूध में, ताकि इसका टेस्ट भी अच्छा आए और इसी के साथ साथ इसमें जो है साबूदाना अच्छे से फूल जाए। आपको बता दें कि यहाँ पर आप चाहें तो इसे पानी में भी सोख करके रख सकते हैं अगर आप इसे कम दूध में बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बहुत ही टेस्टी एकदम रबड़ी के जैसी मलाईदार बहुत ही बढ़िया आपको खीर बनाने की रेसिपी दे रही हूँ, तो इसीलिए मैंने इसको भिगो कर रखा है। तो साबूदाने को मैंने लगभग आधा से पौन घंटे के लिए भिगो कर रखा, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए भिगोने की ज़रूरत नहीं है, और ये अच्छे से फूल गया है थोड़ी देर में ही। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है लगभग एक लीटर दूध। तो यहाँ पर एक लीटर दूध ये है, और ये थोड़ा सा दूध एक गिलास मैंने यहाँ लिया था, तो यानी कि मानेंगे सवा लीटर दूध का इस्तेमाल मैंने एक कटोरी साबूदाने के लिए किया है। अब यहाँ पर मैंने लिया है कुकर। ये बहुत ज़रूरी है अगर आप जो है बहुत ही अच्छी खीर बनाना चाहते हैं, वो कि कम दूध में भी बने और बहुत ही अच्छी बने, तो उसके लिए आप कुकर या ऐसी कोई चीज़ लीजिए जो कि सिलेंड्रिकल शेप में हो, जिससे क्या होता है कि दूध धीरे धीरे पकता है और आपकी जो खीर है वो गाढ़ी बनती है। अगर आप कढ़ाई में बनाना चाहते हैं तो आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब दूध धीरे धीरे करके पकता है और स्टीम कम बाहर निकलती है तो इससे आपकी जो खीर है वो बहुत अच्छी बनती है। तो साबूदाने के अंदर जो दूध था उसको भी मैंने इस तरीके से निकाल दिया है, साबूदाने को रोक लिया है, और सारा दूध मैंने कुकर में डाल दिया है। अब यहाँ पर हम गैस को ऑन करेंगे, और यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने हाई फ्लेम पर इस दूध को गर्म करना है। साबूदाने को अब तब तक ऐड मत करिएगा दूध के अंदर जब तक कि दूध अच्छे से उबाल ना जाए या गर्म ना हो जाए अच्छे से। तो इसे हाई फ्लेम पर मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब मैंने ली है यहाँ पर एक कटोरी, जिससे कि इसका कलर और स्वाद बहुत अच्छा आएगा, अभी आपको बताएंगे वो ट्रिक। इसके लिए मैंने थोड़ा सा दूध लिया है, इस दूध में हम कुछ केसर के धागे डाल कर रखेंगे जिससे कि कलर अच्छा आएगा। खीर में केसर डालना पूरी तरीके से ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना है तो आप नहीं डालें। और यहाँ पर आप साबूदाने को हम इसमें डाल देंगे क्योंकि दूध अच्छे से गर्म हो गया है। अभी भी आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जब तक अच्छा सा उबाल इसके अंदर ना आ जाए तब तक फ्लेम को आप हाई पर रखें और बराबर चलाते रहें, क्योंकि क्या होता है कि जब ठंडे दूध में आप साबूदाना डाल देते हैं तो नीचे चिपक जाता है और बहुत जल्दी आपकी खीर लगने लगती है। तो इसीलिए कभी ठंडे दूध में ना डालें बिल्कुल भी, और जब आप डालेंगे तब भी इमिडिएटली दूध के साथ मिक्स होने के बाद वो नीचे चिपकना शुरू कर देता है, तो इसके लिए उसे चलाते ज़रूर रहें थोड़ी देर। और अब यहाँ पर मैंने कुछ केसर के धागे इस दूध में डालकर रख दिए हैं। दूध को पकाते हुए लगभग मुझे 3 से 4 मिनट हो गए हैं साबूदाना डालने के बाद, और आप देख सकते हैं कि इसमें अच्छा खासा उबाल आ रहा है। अब यहाँ पर हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अब तक हमने हाई फ्लेम पर सारा प्रोसेस किया है, अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और साइड से चलाते हुए थोड़ी थोड़ी देर पर इसे पकाएंगे। तब तक पकाना है जब तक कि इसके अंदर जो है अच्छी से थिकनेस ना आ जाए या फिर साबूदाना गल ना जाए। इसे बीच बीच में चेक ज़रूर करते रहें कि साबूदाना गला है या नहीं, तो इसे अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा उबाल आ रहा है खीर के अंदर, और अब मैं आपको दिखाऊं कि हल्का हल्का साबूदाना जो है वो ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गया है। यहाँ पर इस स्टेज पर आप साबूदाने को एक बार चेक ज़रूर करें, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि साबूदाना अच्छे से गला है या नहीं, क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि हमने फ्लेम मीडियम पर रखा है
तो इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर साबूदाना नहीं गला है तो आप फ्लेम को लो पर कर दीजिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि दूध कम रिड्यूस होगा और साबूदाने को पकने के लिए टाइम मिल जाएगा। अगर साबूदाना गल गया है तो आप मीडियम पर ही रखें ताकि धीरे धीरे करके आपकी खीर बन जाए। अब यहाँ पर केसर वाला दूध भी ऐड कर देंगे, इससे जो है कलर भी अच्छा आएगा और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है, लेकिन आपकी पसंद है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप ना डालें। इसमें अच्छे से मिलाकर थोड़ी देर के लिए अभी और पकाएंगे, जब तक कि साबूदाना जो है वो बिल्कुल अच्छे से नहीं गल जाता है। जब तक साबूदाना गल रहा है तब तक के लिए यहाँ पर हम जो है थोड़ा सा कुछ सिरप बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने एक कप पानी लिया है और एक कप पानी में मैंने गुड़ डाल दिया है। टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, मैंने एक कप गुड़ डाला है यहाँ पर और इसे जो है हम अच्छे से पिघला लेंगे। आप देख सकते हैं इसमें हल्का सा उबाल आ गया है, इसे थोड़ी सी देर अभी और पकाएंगे जब तक इसमें एक दो उबाल ना आ जाए। और अब आप देखिए कितना बढ़िया कलर आया है हमारी खीर का, एकदम लाजवाब। और आप देखेंगे बिल्कुल भी चिपक नहीं रही है खीर बिल्कुल भी, और एक एक दाना जो है साबूदाने का वो अलग अलग है। इसका यही फ़ायदा है, अगर इन टिप्स को फॉलो करते हैं आपकी खीर बेहद लाजवाब बनती है, सच मानिएगा आप। अब इस स्टेज पर आप चेक ज़रूर कर लें कि साबूदाना अच्छे से पका है या नहीं। तो मैं एक कोई भी दाना यहाँ पर लूँगी, उसे हाथ पर हल्के से मिक्स करके देखूँगी, रगड़ कर देखूँगी, बहुत गर्म है, थोड़ा आराम से। और यहाँ पर मैंने इसको एक पीस को उठाया और इसे रगड़ कर देखेंगे हम। तो ये देखिए मैंने इसे इस तरीके से रब किया, लेकिन अभी इसमें बीच में हल्की सी कसर है, बहुत हल्की सी। तो इसे हम 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। मीडियम फ्लेम पर नहीं रखें, अब इसे लो फ्लेम पर कर दें, क्योंकि खीर जो है काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है, वो नीचे चिपक भी सकती है, तो इसलिए लो फ्लेम पर इसे 2 मिनट के लिए हम और पका लेंगे। और ये देखिए सिरप में भी अच्छा सा उबाल आ गया है, और अब इसे बंद कर गुड़ के इस सिरप को बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, 2 या 3 उबाल आने तक ही पकाएंगे। और अब आप देखिए बहुत अच्छे से हमारी जो खीर है वो बनकर तैयार हो गई है, बेहद लाजवाब। आप कलर से अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी खीर हमारी ये बन गई है। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपको साबूदाने की खीर ठंडा खाना पसंद है तो यहाँ पर इसको इसी स्टेज पर बंद कर दीजिए। और अगर आपको जो है मतलब गर्म खीर खाना पसंद है, जैसे कुछ लोगों को होती है, तो वो लोग जो है यहाँ पर इसको थोड़ा सा पतला, यानी कि थोड़ी स्टेज पहले, जब मैंने पहले चेक किया था तो तब उस स्टेज पर अगर आपको लगे कि साबूदाना अच्छे से गल गया है तो अब तब बंद कर सकते हैं, क्योंकि फ्रिज में रखने के बाद वो थोड़ी सी जो है और थिक हो जाती है। तो ये देखिए मैंने साबूदाने को चेक किया, अब इसमें बिल्कुल भी बीच में जो कसर रह रही थी ना हल्की सी, वो भी नहीं है, बिल्कुल अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो गया है और अंदर तक एकदम गल गया है। तो गैस को अब इस स्टेज पर बंद कर दें और इसे हल्का सा ठंडा होने दें। तब तक हम ये गुड़ का सिरप भी छान लेंगे, इसे छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटीज ज़रूर होती हैं, मैं हर बार बोलती हूँ। तो जब भी आप गुड़ को यूज़ करें तो इसे छानकर ही यूज़ करें। और अब यहाँ पर आप देखिए ये हल्का सा ठंडा भी हो गया है, जो मैंने खीर बनाई थी ये भी ठंडी हो गई है, और जो सिरप बनाया था वो भी हल्का सा ठंडा हो गया है। गुड़ की कोई भी चीज़ बनाएं तो उसे डायरेक्ट गैस के ऊपर यूज़ ना करें, नीचे उतार लें, गैस को बंद कर दें, हल्का सा ठंडा करें, उसके बाद हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से मिक्स करें। और आप देखिए मैं धीरे धीरे करके मिक्स कर रही हूँ तो इसका कलर कितना लाजवाब आ रहा है। और यकीन नहीं मानेंगे आप कि चीनी की खीर इतनी टेस्टी लग ही नहीं सकती जितनी टेस्टी ये खीर लगती है। आप इसे कभी भी बनाइए, आप चाहें तो व्रत के लिए बना सकते हैं, आप चाहें तो किसी स्पेशल ओकेज़न के लिए बना सकते हैं, या जब भी आपका ऐसे ही मीठा खाने का मन करे कुछ भी हेल्दी तब बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। अगर आप इसमें अपनी पसंद के कुछ और ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आधा ही सिरप डाला है क्योंकि मुझे मीठा ठीक लग रहा है, मुझे हल्की सी फीकी खीर अच्छी लगती है। अगर आपको जो है थोड़ी ज़्यादा मीठी पसंद है तो आप सारा सिरप डाल सकते हैं। मैं इससे मीठी पूरियाँ बना लूँगी तो इस सिरप को मैं साइड में रख देती हूँ। और अब हम यहाँ पर सर्व करते हैं अपनी खीर को, जो कि एकदम लाजवाब बनकर तैयार हो गई है। आपको ऐसी ही रेसिपीज़ अगर पसंद आती हैं जो कि हेल्दी होती हैं, टेस्टी होती हैं और इजी होती हैं, तो इसी रेसिपीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पर भी हम रेसिपीज़ को पोस्ट करते रहते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप साबूदाने को ख़रीदना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और अगर आप वैसे मार्केट से ख़रीदना चाहते हैं तो मार्केट से भी ख़रीद सकते हैं। और ये देखिए कितनी लाजवाब खीर आपकी बनकर तैयार हो गई। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।